और मान ना बदला जाएगा, मौका ने मोहम्मद और खुदा पर मान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर बुरहान ना बदला जाएगा। दरभंगा में मुहर्रम कमेटी के चुनाव को लेकर पिछले साल सदर और सेक्रेटरी ने अपनी बातों को रखा था, बैठक भी हुई थी कि आने वाले 2024 के मुहर्रम में नई कमेटी का गठन होगा, लेकिन इस बार चुनाव होगा ऐसा लोगों को नहीं लग रहा। दरअसल 7 जुलाई को मुहर्रम शुरू है और अब तक चुनाव की प्रक्रिया या कोई कमेटी की बैठक या लोगों तक इस बात को नहीं पहुँचाया गया कि इस बार भी चुनाव होगा। हालांकि लोग आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि पिछले साल लोगों को झूठा भरोसा दिया गया था, मान मनोवल करके बीते साल किसी तरह मुहर्रम मना लिया गया था। वहीं सोशल वर्कर मोहम्मद वसीम ने अपनी बातों को रखा है और कहा है इस बार चुनाव होना चाहिए, लोगों को झूठा भरोसा जो दिया गया है वह इस बार नहीं चलेगा, इस बार हर हाल में मुहर्रम कमेटी का चुनाव किया जाए, नए सदर और सेक्रेटरी मुहर्रम कमेटी को मिले और सभी कुछ सुचारू रूप से चले। देखिए 2019 से कोई कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। 2019 में आपको शायद मालूम होगा कि ऐलान करके हर तरफ के हर अखरिया हर पब्लिक को बुलाया गया था मदरसा हमीदिया में चुनाव के लिए, लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन यहाँ पर हाथ उठावल वाला बात हो गया था, लोगों ने इसका खुल के विरोध कर दिया था। पेपर सब में भी आया था कि मुहर्रम कमेटी का गठन नहीं हो पाया। फिर बहुत पूरा इस ये चर्चा देश विदेश तक गया। बाद में यहाँ शहर के जो भी बुजुर्ग लोग हैं जो मुहर्रम से जुड़े हुए हैं, सरपरस्त हैं शहर में, हर मामला में आते हैं, तो उनका एक मीटिंग हुआ था हरमैन में। हरमैन एक ऑफिस है यहाँ पर, जिसमें शहर के बहुत मौजूद लोग मौजूद थे। तो उन लोगों के बीच में ये डिसीजन हुआ कि अभी वक्त नहीं है, 10 दिन के लिए सरपरस्त के निगरानी में ये मुहर्रम को ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद चुनाव करा लिया जाएगा। और एक बायलॉज बनाने की बात हुई थी, बायलॉज में कहा गया था कि 3 महीना के अंदर में बायलॉज बन जाएगा, और बायलॉज बनाने की जिम्मेदारी वो इकबाल हसन ऋषि जानते ही होंगे, इकबाल हसन ऋषि को दिया गया था। और लिखने की जिम्मेदारी जो थी वो एडवोकेट अपना अंबर इमाम हाशमी छोटे बाबू हैं, तो उनको ये सब जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है। बीच में कोरोना वोरोना आ गया था तो चलिए उसको कहा जा सकता है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो पाया है। और मैं जहां भी जा रहा हूं, जिन लोगों से भी मिल रहा हूं, पूरे शहर में आक्रोश है कि भाई ये चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा, क्या बात है। चुनाव का जो प्रक्रिया एक होता है तो तरीका है कि या तो अखाड़ा जो है, अखाड़ा कमेटी जितने भी हैं दरभंगा में 122-125 अखाड़ा है, तो उसके जो अखरिया जिसको लाइसेंस है वो, और सदर उसका, सेक्रेटरी उसका, ये 3 लोग मिलकर के अपना वोट से सदर सेक्रेटरी चुने, यही डिमांड है। ये शहर के ज्यादातर लोगों का यही डिमांड है कि चुनाव होना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी अपना एक अस्तित्व रखता है, सिर्फ दरभंगा में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह बैरूनी मुल्क में भी इसका एक अस्तित्व है, इसका एक महत्व है। देखिए बड़ी वजह यही है कि कुछ लोग इसको अपना एक क्या बोलते हैं उसको, अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं, वो आवाम को कुछ समझते ही नहीं है कि आवाम इस हमारे खिलाफ खड़ा होगा, हम और हमारे खिलाफ कुछ करेगा, नहीं, वो लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से कमेटी चुन लेते हैं और जिसको चाहते हैं जैसा जो रैंक देना, जो कुछ करना बना देना, तो ये सब करने के लिए वो लोग आतुर रहते हैं। मतलब कोई अच्छे लोगों को इसमें आने नहीं देना चाहते हैं, ये अच्छे लोग आएंगे हमारा पोल खुलेगा, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो उजागर होंगे, इसके लिए ये लोग अपने हाथ में रखने का कोशिश करते रहते हैं, समाज को बेवकूफ बनाते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि ये कर लेंगे, बायलॉज तैयार हो रहा है, चुनाव करा लिया जाएगा, बस एकदम अब डेट घोषणा कर दिया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी हमारे कई हर जगह से बात हुई है, हर इलाके से बात हुई है, अगर इस बार चुनाव नहीं होता है ढंग से जो तरीका है, तो लगभग नहीं नहीं तो शहर से
कम से कम 50,000 लोगों का सिग्नेचर हो करके कानूनी कार्रवाई करके लीगल मामले में हम लोग जाएंगे। तो लोगों को बुलाना है, जितने लोग हैं, जितने अखड़िया हैं, उन लोगों को बुलाना है कि भाई आइए, कमेटी का गठन कीजिए आप लोग। वो लोग आएंगे और अपने कमेटी का गठन करेंगे, सदर और सेक्रेटरी का चुनाव करेंगे। देखिए, जब आप पारदर्शिता नहीं रखिएगा, आवाम को ये बात नहीं समझाइएगा कि भाई इसमें हमको कहां से कितना पैसा आ रहा है और इसमें खर्च कितना है, पिछले लगभग 10 साल से तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। मुहर्रम कमेटी ने कभी कोई हिसाब किताब दिखाया नहीं कि हाँ भाई हमारा चंदा कितना आया। और कुछ स्थान है, जैसे कई जगह है जहां से मुहर्रम कमेटी को महीना आता है ना, उसका आसासा है वहां पर, तो कितना आया, क्या हुआ, कई जगह से पैसा आता है आपको। ये नगर निगम से कुछ पैसे आते हैं, सुनने में आया है कि रजिस्ट्री ऑफिस से भी कुछ पैसे इस मौके पे आते हैं। रसीद जो कटता है, जो वॉल्यूम लिखा जाता है जिसपे रसीद कटता, कोई हिसाब किताब नहीं होता। हो सकता है कि भाई उसको आमद कम खर्चा ज्यादा हो, लेकिन आप बताइएगा ना कि भाई इतना आमद है, इतना खर्चा है, तब ना पब्लिक का विश्वास आपके ऊपर होगा। लेकिन ये सब चीज तो होता नहीं है। उजागर होगा, अच्छे लोग आएंगे, तो इन लोगों का सब किया धरा जो है सब खुल के सामने आएगा। इसलिए ये लोग किसी को बुलाते नहीं है, अच्छे लोगों को बुलाते नहीं है, जबरन अपने हिसाब से अपने पसंदीदा लोगों का चुनाव करके मुहर्रम कमेटी को बदनाम कर रहे हैं, पूरे दुनिया में बदनाम कर रहे हैं ये लोग। इसका हम तो भाई भरपूर इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी बात हर जगह से हुई है, लगभग 5,000-8,000 लोगों का सिग्नेचर लेकर के उसके बाद हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, लीगल मामले में जाएंगे। नहीं, देखिए, आप जाइएगा किसी जमीन खरीद फरोख्त करने के लिए, तो जमीन का रजिस्ट्री अगर आपको कराना होगा तो आपको एक दिन में सब पेपर तैयार हो जाता है, रजिस्ट्री तक हो जाएगा। और ये मुहर्रम कमेटी का क्या मामला, 3-4 पॉइंट है उसमें, बायलॉज पे चुनाव करना है कि भाई अखाड़िया लोगों को बुलाइए, उसके सरपरस्त को बुलाइए, एक डेट दे दीजिए, कल दे दीजिए डेट कि भाई आप लोग आइए और अपने कमेटी का चुनाव कीजिए, तो उसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा, क्रिया जो होनी है वो अखाड़ा जो है 120 अखाड़ा है, तो उसको वो लोग वोटिंग करें और उसके सदर सेक्रेटरी वोटिंग करें, एक अखाड़ा से 3 वोट, 120 है, उसको 3 जोड़ लीजिए, जितना भी पुरता उतने लोग वोटिंग करें। और उसमें जो लोग इच्छुक हैं दरभंगा में चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम ले लें, ऐलान कर दें कि भाई जो लोग सदर और सेक्रेटरी का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नाम पेश करें, है ना, कि फलाना साहब इच्छुक हैं। और दूसरे दिन जब वो लोग आएंगे तो बोलेंगे हाँ भाई ये लोग इच्छुक हैं, अब आप लोग इसमें से जिसको चुनना है चुन लीजिए, वोटिंग कर दीजिए, हो गया मामला खत्म। बहुत आसान है, करने वाले के लिए बहुत आसान है। मोहम्मद वसीम अहमद।